Hello student, this is our last chapter of tense, and in this chapter, in this video, we will going to discuss future perfect tense and future perfect continuous tense. तो गाइस सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है, फ्यूचर भी है यानी आने वाला भविष्य के बारे में है और वो परफेक्ट भी है. तो स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं. इंग्लिश में सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर की है वो है आपकी शैल, विल. और जो परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या होता है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म जो है आपकी हैज, हैव, हैड के बाद आती है. तो इसमें क्या यूज करना है, अपने हैव यूज करना है, शैल विल के बाद हैव का यूज करेंगे, उसके बाद वी थ्री, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साथ लास्ट के अंदर फुल स्टॉप. गाइज अगर आपको हिंदी में कोई सेंटेंस हो दिया गया हो और उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस से रिलेटेड है, तो अगर वाक्य के एंड में क्योंकि परफेक्ट है तो चुका, चुकी, चुके आपको मिलेगा और फ्यूचर है तो गा गेगी. तो इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी. एग्जांपल देख लेते हैं. शाम पत्र लिख चुका होगा. तो शाम पत्र लिख चुका होगा. तो शाम के अकॉर्डिंग ही गाइज आपने जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. तो शाम आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करोगे, विल यूज करोगे, शाम विल. उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपने हैव, हैव के बाद गाइस थर्ड फॉर्म क्या, अ लेटर, शाम विल हैव रिटन अ लेटर. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं गाइस. हम अब तक मेला देख चुके होंगे. हम अब तक मेला देख चुके होंगे. अब तक, संडे तक, मंडे तक, ट्यूसडे तक, दो महीने तक, दो साल तक. तो इस प्रकार से जब आते हैं तो गाइस ऑन टाइम प्लस बाय टाइम, ऑन प्लस टाइम और बाय प्लस टाइम का यूज करना है. ऑन प्लस टाइम और बाय प्लस टाइम यही इसकी आगे जो एडवर्ब्स रहने वाली हैं. हम अब तक मेला देख चुके होंगे. तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके एंड में चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुका होगा, होगी, एटसेट्रा आता है. तो गाइज इसको ट्रांसलेट करते हैं. वी के साथ शैल का यूज करना है, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज और बाकी के साथ विल. तो वी शैल हैव सीन द फेयर बाय नाउ. बाय नाउ मीन्स अब तक. नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं गाइज. इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट शैल विल, और क्योंकि शैल विल इसकी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद आपने किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है. शैल विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर फुल स्टॉप. एग्जाम्पल देख लेते हैं. वे पत्र नहीं लिख चुके होंगे. दे विल नॉट हैव रिटन लेटर्स. मैं पेड़ नहीं काट चुका होऊंगा. आई शैल नॉट हैव कट अ ट्री. जो इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं. फर्स्ट जो फॉर्म है इंटरोगेटिव की, वो होती है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल विल. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और लास्ट के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन. सेकेंड जो फॉर्म है वो है गाइज आपकी डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाले. इस डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका क्या यूज होगा, शैल विल, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन. एग्जांपल चेक कर लेते हैं. क्या तुम गाना गा चुके होगे. क्या तुम गाना गा चुके होंगे. तो गाइस क्योंकि ये क्या से स्टार्ट है और लास्ट के अंदर चुका होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले शैल विल में से एक, और शैल विल का यूज किसके अकॉर्डिंग करते हैं गाइस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट आपका यू, तो यू के साथ क्या यूज करोगे, विल. विल यू हैव संग अ सॉन्ग. लास्ट के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन. वह सोमवार तक क्या कर चुका होगा. वह सोमवार तक क्या कर चुका होगा. तो क्या, व्हाट. व्हाट के बाद अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग गाइस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट आपका ही है तो क्या लगाओगे, विल. व्हाट विल ही हैव डन ऑन मंडे. ऑन मंडे, मंडे तक.
इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स देख लेते हैं, बाय प्लस टाइम और ऑन प्लस टाइम, एज बाय नाउ, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर लेते हैं, शी डैश गो टू हर होम टाउन बाय नाउ। बाय नाउ आपकी एडवर्ब आपको मिल गई है, अब आपने क्या करना है इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिल करेंगे तो क्या आएगा गाइस, यहाँ पे शी के साथ विल, शी विल हैव गो वेंट गॉन, शी विल हैव गोन टू हर होम टाउन बाय नाउ। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई डैश नॉट कंप्लीट माई होमवर्क ऑन मंडे। टाइम है, आई शैल, आई के साथ किसका यूज करोगे, शैल, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट फ्यूचर का और लास्ट जो पार्ट है टेंसेस का वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान गाइस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होऊंगा, से रही होंगी। तो से जो है वो टाइम की ओर इंडिकेशन करता है और रहा रही कंटिन्यूअस का है और आपका जो फ्यूचर का है वो गागे गी है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शल विल दोनों में से एक, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, वी वन प्लस आई एन जी, क्योंकि कंटिन्यूटी है तो गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, वी वन प्लस आई एन जी का यूज हो गई होगा। परफेक्ट है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें हैज है प्लस बीन यूज करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से है, परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो आपको किसका यूज करना है, आपने यूज करना है सिंस फोर प्लस टाइम, यही इसकी एडवर्ब रहने वाली है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो सिंस फोर का आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसके लिए सिंस, और एग्जैक्ट टाइम नहीं है हमें पता, तब हम क्या लगाते हैं, फोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस, वह 2 घंटों से पाठ पढ़ रहा होगा। 2 घंटों टाइम के साथ से और लास्ट के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं, वह सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही के बाद शल और विल दोनों में से एक, तो ही के साथ विल, उसके बाद है बी, रीड के साथ आई एन जी रीडिंग, क्या ऑब्जेक्ट आपका लेसन फॉर 2 आवर्स, ही विल हैव बीन रीडिंग अ लेसन फॉर 2 आवर्स। किसान सुबह से खेत में हल चला रहा होगा, सुबह से, तो टाइम आपको पता है कि एग्जैक्ट टाइम है तो अपने सिंस प्लस टाइम का यूज करना है सिंस मॉर्निंग। फार्मर विल हैव बीन प्लॉइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में गाइस क्या करना है, आपने आपकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपकी शैल विल है फ्यूचर की, उसके बाद आपने नोट यूज कर लेना है, बाकी सेम टू सेम जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वही रहने वाला है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से एक प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह 2 घंटों से पाठ नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट have been reading a lesson for 2 hours. Interrogative sentence को चेक कर लेते हैं। Interrogative में 2 type होते हैं जैसे usual आपको पता है, तो पहला आपका helping verb से, तो helping verb रहने वाली आपकी shall will, उसके बाद subject, उसके बाद have been plus v1 ing plus object plus since for plus time और last में sign of interrogation। ऐसे जो second form है उसमें सबसे पहले आपका WH question family से कोई भी वर्ड आएगा और उसके बाद शैल विल जो कि आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, क्या वह 2 घंटों से पाठ पढ़ रहा होगा, विल ही हैव बीन रीडिंग अ लेसन फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से क्या कर रहा होगा, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइज इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, क्योंकि ये आपको सिंस प्लस टाइम दिया गया है तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है कि नहीं, तो आपको फ्यूचर से रिलेटेड
कुछ ना कुछ एडवर्ब्स दी गई होगी, टुमारो, नेक्स्ट, इस प्रकार से आपको मिलेगी, प्लस आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की आइडेंटिटी होगी। यहाँ पे आपको परफेक्ट और कंटिन्यूस की आइडेंटिटी मिल रही है और साथ में आपको फ्यूचर की आइडेंटिटी मिल रही है, तो आप इसमें क्या करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फिल करोगे। तो ही के साथ क्या करेंगे गाइस, विल के बाद हैव प्लस बीन प्लस ट्रैवल प्लस आईएनजी, विल हैव बीन ट्रैवलिंग, ही विल हैव बीन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन सिंस टुमारो मॉर्निंग, कल तक, कल सुबह से वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होगा, कल सुबह से वो ट्रेन में सफर कर रहा होगा। फ्यूचर के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है आपको, कंटिन्यूटी भी बता रहा है। तो गाइस ये है आपके टेंस, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स। और गाइस आपने पूरे टेंसेस को एक बार, जितने भी वीडियोस अपलोड की गई हैं उनको वन बाय वन आपने देखना है, और एक साथ सारे के सारे टेंसेस हैं उनको एक साथ लर्न करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और सभी ने अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, ट्रांसलेशन करनी है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।